कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम और एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ होगा। एमओयू, जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का भी वितरण होगा। प्रयागराज के मंत्री भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे लोकभवन सभागार में यह कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर आज लखनऊ में एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण होने वाला है। एमएसएमई, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण होगा और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एमओयू साइन होगा। साथ ही साथ जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र का भी इस दौरान वितरण होगा और प्रयागराज के मंत्री भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ के लोन का वितरण भी होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? अंदिका, देखिए बात की जाए एमएसएमई के कार्यक्रम की, तो आज लोकभवन में 12 बजे ये कार्यक्रम होना और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बात की जाए दिव्या की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात लगातार उत्तर प्रदेश सरकार करती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बार ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था उसे आने वाले 5 सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जाना है, तो उस ओर कहीं ना कहीं एमएसएमई के द्वारा जो 20 करोड़ का जो लोन वितरण का जो कार्यक्रम आज रखा गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में दिव्या शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम जरूर हो सकता है उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रही है प्रदेश सरकार। उस ओर तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो उत्तर प्रदेश में है उन्हें पहचान मिल सके, ना केवल उन्हें दिव्या पहचान मिले बल्कि जो प्रदेश में तमाम जो व्यापारी जो छोटे उद्यम व्यापारी हैं उन्हें एक अवसर उन्हें एक मौका मिल सके ताकि उनके अपना व्यापार उन पर एक रोजगार सृजित हो पाए। इसके साथ साथ जो लगातार सपना देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता निकल कर सामने आए, तो लगातार कहीं ना कहीं स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो ब्रांड जो बनते हैं, जो जो हाथों से जो लोग कढ़ाई का काम है, बुनाई का काम है या तमाम अन्य जो जो काम लोगों कर उत्तर प्रदेश में करते हैं अलग अलग अपनी प्रतिभाओं से, तो उनकी प्रतिभा को एक अवसर मिल पाए, उनको एक मंच मिल पाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम वो चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की बड़े बड़े देशों में जो निर्यात होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो उत्तर प्रदेश में जो चीजें बन रही है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं उनको पहचान मिल पाए, और यही कारण है कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई के जो सेक्टर है उसे और बृहद और बड़ा करते हुए चले जा रहे हैं। और आज यही कारण है कि बड़ा जो लोन वितरण है लगभग 20 करोड़ रुपए का वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से आज लोकभवन में 12 बजे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लगातार कहीं ना कहीं प्रयास है दिव्या की उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसे और तेज लेके जाया जा सके, इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस की जन सहभागिता की बेहद आवश्यकता है, और यही कारण है कि लगातार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जनता से भी अपील करते हैं कि एमएसएमई से आप जुड़े और अपने व्यापार अपने स्वरोजगार अपने रोजगार को कहीं ना कहीं नई दिशा नया विजन देते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आज जो जो कार्यक्रम रखा गया है एमएसएमई के तहत जो 20 करोड़ का लोन वितरण होना है कहीं ना कहीं बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार का हो सकता है, और आने वाले समय में जिस तरह से बात दिव्या की जा रही है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है उस ओर कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम दिव्या ये हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में और किसानों के हित में ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।